नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक लापरवाही के चलते विदिशा का हंसता खेलता मासूम लोकेश अपनी जिंदगी की जंग हार गया। उसका परिवार गहन शोक में डूबा है। लोकेश से जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें अब कभी पूरी नहीं हो सकेंगी। विदिशा जिले में हुए इस हादसे के बाद भोपाल का शासन प्रशासन भी खुले पड़े बोरों की फिर सुध लेने जा रहा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ग्रामीण अंचलों के लोगों से सचेत रहने का आह्वान किया है। कलेक्टर लवानिया ने आज कहा कि अगर कोई बोरिंग करवाते हैं और वह बोरिंग असफल होती है तो उसका दायित्व है कि बोरिंग को प्रॉपर तरीके से क्लोज डाउन किया जाए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं और उस बोरिंग से हादसा होता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी पूरे मामले में। लेकिन सवाल यह है कि यह चिंता आखिर कब तक बनी रहेगी। पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं और हादसे के बाद खुले बोरों की कुछ दिनों तक चिंता की जाती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इस बार लोग चाहते हैं कि ऐसा हरगिज ना हो। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति बोर करता है और जनरली क्या होता है कि बोर यदि विफल होता है तो उसको एज इट इज छोड़ के नए स्थान पे बोर किया जाता है जहाँ फिर हैंडपंप या कुछ भी लगाया जाता है। तो ऐसे जो विफल बोर होते हैं जिनको खुला छोड़ दिया जाता है उनके कारण ही इस प्रकार की घटनाएं सामान्यतः होती हैं। इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर है कि यदि बोर विफल है तो उस बोर को वापस कवर किया जाना अनिवार्य है और यदि कोई नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट बाकायदा इसमें नेग्लिजेंस की धारा लगाते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें कोई जुर्माने का प्रावधान भी है? जुर्माना नहीं, इसमें तो इनफैक्ट जो लीगल कार्रवाई है वो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। इट्स अ डिलिबरेट नेग्लिजेंस, तो उसके तहत भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर? जो मैं सभी लोगों से आह्वान भी करना चाहूंगा और सचेत भी करना चाहूंगा कि यदि कोई भी अपनी जमीन में कहीं भी बोर करा रहा है तो इसका दायित्व है कि उस बोर को प्रॉपरली क्लोज डाउन किया जाए जिससे कि उसके कारण कोई भी एक्सीडेंट ना हो। यदि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट पाया जाता है तो उसमें सहज ही उस व्यक्ति की संलिप्तता मानी जाएगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस व्यक्ति के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट की जा सकती है। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।